আসুন সকলে মিলে শান্তিপূর্ণ বাতাবরণে ভোট দিই এবং ত্রিপুরা লোকতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করি। নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ত্রিপুরাবাসীদের এই বার্তা দিলেন ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কিরণ গিত্যে। তিনি এদিন এও বলেন যে বিভিন্ন জায়গা থেকে একাধিক অভিযোগ আসছিল, কিন্তু সেই সব অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন কিরণ গিত্যে। वोटिंग चालू है और मुझे आप सबसे भी अनुरोध है कि आप सभी जितने वोटर्स अभी हमारे अगरतला शहर और त्रिपुरा राज्य में हैं, मैं आपके माध्यम से सबको अपील करता हूं कि आइए और शांतिपूर्ण वातावरण में वोट करिए और त्रिपुरा का लोकतंत्र मजबूत करने के लिए मदद करिए। अलग अलग प्रकार की कंप्लेंट है, कहीं पर वो बोल रहे हैं कि थोड़ा अंदर अंधेरा है, कहीं बोल रहे कि भीड़ ज़्यादा है, कहीं बोल रहे कि सिक्योरिटी और चाहिए, कहीं बोल रहे कि बाहर हमें और थोड़ी सिक्योरिटी चाहिए, किसी हाईवे में हमें फोन आया, खैरपुर में हाईवे में हमें पुलिस नहीं दिख रही है, नलचर में हमें बोले कि स्कूल के अंदर लाइट कम है, कहीं पे पोलिंग एजेंट को अंदर जाने में दिक्कत थी। लेकिन जैसे मैंने बताया, ये सभी कंप्लेंट हमने सेक्टर ऑफिसर, आरओ, डीएम साहब हमारे स्तर पे, पुलिस के स्तर पे निर्धारित की है, सब तरफ शांति से। শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হচ্ছে রাজ্যে, এখন পর্যন্ত তেমন কোনো বড় হিংসাত্মক ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। সেক্ষেত্রে বলাই যায় নির্বিঘ্নে ভোট হচ্ছে। এদিন সকাল থেকে শুরু হয়েছে ভোট এবং উৎসবের মেজাজে মানুষ সারা রাজ্য জুড়ে 3,337টি পোলিং স্টেশনে ভোট দিচ্ছেন ভোটাররা। এদিন রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কিরণ গিত্যে জানান, রাজ্যের 3,337টি পোলিং স্টেশনে কমপক্ষে 2 জন পোলিং এজেন্ট রয়েছে। এদিন ভোর 5:30 মকফল শুরু হলে কিছু ইভিএমের সমস্যা দেখা দিয়েছিল, যা সকাল 7টার আগে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ভোটারদের মধ্যে বেশ উৎসাহ দেখা যাচ্ছে বলেও জানিয়েছেন রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কিরণ গিত্যে। 7 বাজে हमारे राज्य में रिपब्लिक घूमना त्रिपुरा से इलेक्शन के लिए वोटिंग शुरू हुआ। सभी 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3,337 पोलिंग स्टेशन में वोटिंग शुरू हुआ। वोटिंग से पहले सुबह 5:30 हमने मॉक पोल शुरू किया था और इस चुनाव की विशेषता मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि सभी 3,337 पोलिंग स्टेशन में एक पार्टी से ज़्यादा पार्टी के पोलिंग एजेंट हैं। हमारे राज्य में आज एक भी ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं है जिसमें एक से ज़्यादा पोलिंग पार्टी के एजेंट नहीं है। सभी पोलिंग स्टेशन में कम से कम 2 पोलिंग एजेंट हैं, ये हमने पहला इंश्योर किया है। दूसरा, हमने जब 5:30 मॉक पोल शुरू किया तो कुछ 40-45 जगह पे मशीन्स में प्रॉब्लम आया था, वो हमने 7 बजे से पहले रिप्लेस किया। कुछ मशीन में पोलिंग शुरू होने के बाद प्रॉब्लम आया, लेकिन हमने उसको 20 मिनट के अंदर हमने रिप्लेस किया है। मैं पूरे राज्य से मैं खबर ले रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी लाइन पोलिंग स्टेशन के पार देखी जा रही है, कहीं पे 150, 200, 250। तो हमारे सामने चैलेंज है कि 4 बजे से पहले ये सबका वोटिंग करके लेना। 9 बजे শুরুর দিন থেকেই এবারে রাজ্য নির্বাচনকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে দেখে আসছিল রাজ্য নির্বাচন দপ্তর। বলা যায় নির্বাচন দপ্তরের সার্বিক সহায়তায় এবারে নির্বাচন পরিণত হয়েছে উৎসবে। ব্যুরো রিপোর্ট, আর ই নিউজ।